हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, जो कि हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में जो 2.2 के बेसिक थे, मतलब 2.2 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो किससे संबंधित है, अर्थात रिलेशंस, अपरांत, प्रांत, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम जाने हैं। तो आप जब तक उन्हें उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तब तक आप ये जो वीडियो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मतलब बेस है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आप उन्हें देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको समझा के ही बताएंगे, वैसे नहीं सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, ……14 तक, मतलब 1 से लेके 14 तक यहाँ पे आपको दिया गया है। और R बराबर बोला है, R मतलब रिलेशन जो स्थापित करना है कि x कामा y सच दैट 3x - y बराबर 0, जहाँ x और y जो हैं वो बिलोंग करेंगे A से, द्वारा A से A का एक संबंध R लिखी, मतलब A का A से एक संबंध R आपको बनाना है। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन। ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3 और 14 तक ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया है। और यक्स आर में क्या है कि यक्स कामा वाई सर दैट 3x - y = 0। तो यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे रिलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आर का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं, तो ये जो यहाँ पे इस जो भी अवयव यहाँ पे लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो यहाँ पे जो उपस्थित होगा वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाई होता है और ये हमारा जो होता है वो यक्स होता है। तो जो यक्स हम लेंगे वो यहाँ पे वाई का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। अर्थात अगर हम कहें इसमें इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जो दिया गया है 3x - y = 0, अगर हम कहें कि वाई का मान हम ज्ञात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x = y, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात वाई का मान क्या आएगा, 3 का मल्टीपल 3x होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अगर बनाएं से फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये हमारा ए है और ये जो बनेगा ना एलिमेंट यहाँ पे आएंगे वो भी हमारे ए ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ए से ए का बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डॉट डॉट आप 14 तक लिखेंगे, लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 तक। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, क्या इसमें भी हम लिखेंगे, इसमें क्या है हमारा, इसमें भी हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी हमारा क्या है, ऐसे आप डॉट डॉट कर दीजिए यहाँ पे 14 तक, ये हमारा ए हो गया। अब देखिए ये तो हमारा यक्स है, ये जो एलिमेंट होते हैं वो यक्स होते हैं और ये जो एलिमेंट होते हैं वो वाई होते हैं, इनका हमें रिलेशन करना है। तो क्या कंडीशन है कि 3x = y, मतलब अगर हम यहाँ पे ए का रिलेशन बनाना चाहें कि ए किसके साथ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए हम 2 के साथ ले जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि वाई का मान 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप यक्स के जगह पे रखेंगे, यक्स का मान हम 1 ले रहे हैं पहला वाला, तो वाई का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो कहाँ ये 2 के साथ जाएगा, ये तो 3 के साथ बनाएगा। तो 1 अगर हम लेते हैं यक्स का मान, तो ये वाई का मान हमें 3 प्राप्त होता है। देखिए हमें 3x - y = 0 दिया गया था, तो यहाँ पे हम 3x = y लिख दिए, तो लिख सकते हैं। तो अगर हम यक्स की जगह पे 1 लेते हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त होता है, y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। तो हम जो इसका रिलेशन बनेगा वो 1 से 3 में जाएगा। फिर अगर 2 लेते हैं, यक्स का मान हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पे आप यक्स की जगह पे 2 रखिए, तो जब आप यक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 6, तो 2 को हम 6 के साथ लेते हैं, अर्थात यहाँ पे हमारा जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अगला क्या है, अगर हम यक्स का मान 3 लेते हैं, तो यक्स की जगह पे हम 3 लेते हैं, तो कितना में मिलेगा वाई का मान, 3 × 9, वाई का मान हमें 9 मिलेगा, अर्थात यहाँ पे हम इसे आगे और बढ़ाएंगे, ये हमारा हो गया 9। तो देखिए यहाँ पे 3 लेने पे हमें वाई का मान 9 प्राप्त हुआ, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे 9 तक जाएगा। अब अगर हम 4 लेते हैं, अगला हमारा क्या है 4, तो अगर हम यक्स की जगह पे 4 लेते हैं, तो 3 और 4 लेते हैं, तो वाई हमें कितना मिलेगा, वाई हमें 12 होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 9 है, आगे हम लिखेंगे ये हमारा देखिए यहाँ पे है 12। तो 4 लेने पे हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें प्राप्त हुआ 12, ये हो गया। और आगे बोला है अगर हम 5 लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, यस के जगह पे 5 लेते हैं, तो y का मान कितना मिला है, y का मान 15। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 14 तक ही दिए गए थे, ये 14 तक है ना, 13 और 14, तो आप देखिए इसमें 15 हमारा आएगा ही नहीं, तो हम 15 लेंगे कहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही 1 से लेकर 14 तक दिया गया था। तो जब 15 इसमें आएगा ही नहीं, तो वाई में हम 15 थोड़ी ढूंढने जाएंगे, अपने तब से एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ 4 तक ही ये रिलेशन हो पा रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको एक कंडीशन दिया गया है, तो इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे। अब हम आपसे अगर पूछें कि जो हमारा आर प्राप्त हुआ वो हमें क्या मिला है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें आर प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या मिलेगा। एक हम सबसे पहले इसका एलिमेंट लिखते हैं यक्स का, एक तो ये किसके साथ बनाया यहाँ पे 3 के साथ, तो 3 हो गया। दूसरा हमारा क्या है 2 है, ये किसके साथ बना यहाँ पे 6 के साथ, तो ये हो गया। और तीसरा हमारा क्या है 3 है, ये किसके साथ बना यहाँ पे 9 के साथ, और 4 हमारा 12 के साथ। तो बस इतना हमारा ये रिलेशन बनेगा, ये हमारा कितना रिलेशन बनेगा। अब हम आपसे पूछें कि प्रांत की प्रांत बताइए, प्रांत क्या होगा, प्रांत वे होते हैं मतलब ए वाले एलिमेंट में जो किसी न किसी से रिलेट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, बस ऐसे 4 मतलब 4 तक ही हैं जो इनका रिलेशन बना है, और 5 6 7 इन सभी का रिलेशन बना है। आप कहेंगे इन सभी का तो रिलेशन ही किसी से नहीं बना है, तो उन्हें हम नहीं लेते हैं, तो वो हमारे प्रांत होते हैं। और जो परिसर होते हैं वो बी वाले एलिमेंट होते हैं, अर्थात ये जो दिया गया है वाई के एलिमेंट, और इसमें वे एलिमेंट को हम लिखते हैं जो किसी से रिलेट होते हैं। जैसे हम कहें 3 का रिलेशन 1 से रिलेट है, 6 2 से रिलेट है, 9 3 से रिलेट है, और 12 4 से रिलेट है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा। यही ऐसे 4 हैं जो कि ये ए से रिलेट है, और देखिए यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 ये सभी किसी से नहीं रिलेट है, तो इनको हम नहीं लिखते हैं, ये हमारा परिसर कहलाता है। और सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत मतलब होता है सभी, सह मतलब क्या होता है सभी, अर्थात ये जो बी ए के वाई वाले अवयव हैं इन सभी को लिखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 1 से लेकर 1 2 3 14 तक ये सभी अवयव उपस्थित होते हैं, चाहे वो रिलेशन बनाए या ना बनाए वो सभी सप्रांत में आते हैं। सप्रांत का मतलब ही होता है सभी लोग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, मतलब जो संख्या लेंगे वो क्या होंगे, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर आपको दिया गया है यक्स सच डेट यक्स है, y बराबर यक्स प्लस 5। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं जो इसका हम बेसिक बताए थे, उसमें 2.2 का बेसिक, इसमें हम आपको एग्जांपल के लिए से समझाए थे कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो पक्का आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम इसे सॉल्व करके बताते हैं। फिर आगे बोला है कि यक्स संख्या 4 से कम, जो यक्स हम लेंगे वो 4 से कम होने चाहिए, ये कंडीशन सुनिए, 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो एलिमेंट हम लेंगे वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको शुरुआत में ही कंडीशन दिया गया था एक प्राकृतिक संख्या है यक्स वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या में द्वारा संबंध परिवार की इस संबंध को रोशन और इसलिए इनका, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम a बराबर लेंगे वो हमें क्या होना चाहिए, वो हमारा 4 से कम होना चाहिए। आपसे बोला था ना कि जो यक्स है वो 4 से कम हो, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। तो जो यक्स होता है वो a वाला एलिमेंट होता है, तो जो हम यहाँ पे a लेंगे वो 4 से कम अर्थात 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होना चाहिए होगा। अब आप सोचिए कि 4 से कम तो हमारा 0 भी होता है, और आप सोचेंगे कि -1 भी होता है, -2 होता है, -3 होता है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो 4 से कम होते हैं। लेकिन साथ में आपको एक कंडीशन दिया गया था कि जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो हमारे सभी क्या होने चाहिए, सभी हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, और प्राकृतिक संख्या में हमारा माइनस वाली वैल्यू नहीं आती है, ना ही 0 आता है। तो बस हमारा यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। अब देखिए आगे आपसे क्या बोला था, एक रिलेशन आपको क्या दिया गया था, यक्स कामा वाई सच डेट वाई बराबर यक्स प्लस 5 था, ये आपको एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया था।
जिसे चलिए हम डायग्राम के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हमारा ए है, क्योंकि ए से ही रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा ए ही होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, ये नहीं बोला था कि ए से ए में रिलेशन हो उसका, बस इतना बोला था कि जो हमारा ये क्या है, ये हम बी मान लेते हैं, तो ए हमारा क्या होगा, 1 2 3। ये हमारे क्या है, ये सभी यक्स के मान हैं। 1 2 3 क्या है, यक्स होते हैं ना, और ये जो होते हैं वहाँ पे वाई, वाई तो हमें पता नहीं है क्योंकि बी सेट ही नहीं पता, तो वाई हम कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसे निकालते हैं, क्योंकि वाई बराबर कोई कंडीशन दिया गया है। वाई बराबर क्या दिया गया है, यक्स प्लस फाइव। अगर हम यक्स की जगह पे एक लेते हैं, एक किसके साथ रिलेशन पड़ेगा, तो यहाँ पे जब एलिमेंट लिखेंगे तब ना मालूम चलेगा कि किसके साथ होगा इसका। देखिए चलिए, y बराबर क्या मिलेगा हमें, अगर हम यक्स की जगह पे एक लेते हैं तो 5 1 6 हो गया, अर्थात हमारा जो यहाँ पे बनेगा 1 6 हो गया, पहला निकल गया। अब देखिए, अगर हम y यक्स बराबर 2 लेते हैं, तो चलिए लेते हैं यक्स बराबर 2 लिखिए प्लस 5, ये y का मान निकाल रहे हैं, 5 2 7, तो ये किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 7 हो गया। अगर हम यक्स बराबर 3 लेते हैं, यहाँ पे यक्स बराबर क्या लें, 3 लें प्लस 5 5 3 8, वाई का मान कितना मिला हमें, 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए, कोई हमारा और अंक बचा है यहाँ पे 1 2 3 में, कोई बचा, सिर्फ यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसका हमें कंडीशन नहीं दिया गया है, बल्कि इसका कंडीशन दिया गया था, तो यहाँ पे 4 से कम होने चाहिए, तो 4 से कम 1 2 3 है, और जब यक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें मिला 6, फिर यक्स की जगह पे 2 रखे तो मिला 7, यक्स की जगह पे 3 रखे तो मिला 8, बस यही इतना पॉसिबल हो सकता है, और इसमें पॉसिबल नहीं सकता है। तो हमें कहा था इसका रोस्टर फॉर्म में ज्ञात करने के लिए, तो रिलेशन इसका रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, ये किससे, 1 किसके साथ है, 1 6 के साथ है, 2 7 के साथ है, 3 8 के साथ है, तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, जिसे के साथ जो रिलेशन होता है उसी को हम लिख देते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला था कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, प्रांत और इसके परिसर क्या होंगे। हम आपको बताए थे कि जो प्रांत होता है वो क्या होता है, वो अवयव ए में जो किसी से ना किसी से रिलेट हो, मतलब देखिए 1 2 3 ये किसी के 6 से रिलेट हैं, ये 7 से, ये 8 के, तो जो रिलेशन होते हैं बनाए होते हैं वो। अगर इसमें और कोई ऐसा एलिमेंट होता जो किसी से रिलेट नहीं होता तो वो इसमें हम नहीं लेते। प्रांत में मतलब बस आप इतना देंगे, प्रांत में वे आते हैं जिनका रिलेशन बनता है, इनका बना है तो इनको हम लिखेंगे, अर्थात कितना हो गया, 1 1 2 3। और परिसर में क्या आते हैं, बी वाले एलिमेंट जिनका रिलेशन बना उनका वर, तो यहाँ पे बना किसका है, 6 7 8, ये हमारा हो गया परिसर। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, समझाते समझाते पसीने निकल जा रहे हैं, और आप सब हैं तो सब्सक्राइब लाइक तो करते ही नहीं हैं। चलिए खैर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 5, ये ए है, और बी बराबर आपको दिया गया है 4 6 9, ये सेट के फॉर्म में दिया गया है। अब आपसे आगे पूछा गया है कि ए से बी में एक संबंध है, मतलब आ बराबर संबंध में क्या है कि यक्स और वाई का अंतर विषम है, यक्स और वाई का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो हमें क्या मिलना चाहिए, एक विषम मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर रिलेशन है। और यक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए से, और वाई भी बी से, वाई कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, बी से। आगे बोला है कि द्वारा परिभाषित कीजिए आर को रोस्टर रूप में लिखिए। अब जो ये आर दिया तो समुच्चय निर्माण में ना, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ए और बी यहाँ पे दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन इसे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर बी बराबर आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन में आर में क्या बोला है कि यक्स और वाई का जो अंतर हो वो विषम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यक्स और वाई का जो अंतर हो विषम हो, यक्स कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, और वाई जो हमारा वो बी से आना चाहिए। अगर देखिए, यक्स हमारा 1 है, वाई हमारा 4 है, इनका अंतर आप निकालेंगे या 4 - 1 करें तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और ये हमारा क्या है, एक विषम है कि नहीं विषम। तो पहला हमारा रिलेशन हो गया, अर्थात इसे हम लिखेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, पहले हम यक्स को लिखते हैं, फिर हम वाई को लिखते हैं। तो ये हमारा देखिए यक्स हो गया, तो यक्स बराबर क्या है, पहला एलिमेंट ए का लेंगे, एक लेते हैं, और वाई बराबर 4, और यक्स माइनस वाई करें तो क्या मिला, 1 - 4, ये -3 भले मिला, इससे मतलब नहीं कि माइनस प्लस, बस ये बोला इसमें कि विषम होने चाहिए, तो हम विषम लिख सकते हैं, -3 भी हमारा क्या है, विषम है कि नहीं विषम।
तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं लाया वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखते जाए। तो आप एक रोस्टर फॉर्म में हमें बनाना है तो हमारा क्या हो गया, पहला ए लेने पे हमें कितना प्राप्त हुआ, बी बराबर चार लिए हैं तो हमें एक विषम प्राप्त हुआ है। जैसे क्वेश्चन में यक्स बराबर एक लिए हैं, वाई बराबर चार लिए हैं, तो ये जो हमें इसका डिफरेंस मिला है वो -3 आया है, जो कि हमारा ये क्या है, विषम संख्या है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, यक्स बराबर 2 लेते हैं, वाई बराबर 6 लेते हैं। अब 2 में से जब अभी 2 पे मत आइए, अभी 1 के साथ ही चलिए। तो देखिए 1 का 4 के साथ हो गया, 1 का 6, अगर हम यक्स बराबर 1 लेते हैं, वाई बराबर 6 लेते हैं, तो क्या 1 में से 6 से हम माइनस कर, क्योंकि डिफरेंस बोला ना इसका अंतर यक्स और वाई का, तो यक्स 1 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, जो कि हमारा क्या है, विषम संख्या है कि नहीं विषम, तो ये भी हमारा हो सकता है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, 1,9। अब कहेंगे आप 1,9 अगर लेते हैं आप, तो 1 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, -8 बचेगा, तो जो -8 है वो तो सम संख्या है कि नहीं सम, तो यहाँ पे 1,9 हमारा नहीं होगा। अब आगे क्या है, 1 का तो होगा सबके साथ, अब 2 को लेंगे, अगर 2 के साथ लें, मतलब 4 के साथ लें, तो देखिए यक्स की जगह पे हम 2 रखे, वाई की जगह पे 4, तो यहाँ इनका दोनों का अंतर क्या होगा, सम संख्या आएगा, 2 आएगा, जो कि हमें सम संख्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो ये हमारा नहीं बनेगा। ऐसे ही हम 2 के साथ 3 को लेंगे, 6 को लेंगे, 2 के साथ किसको लेंगे, 6 को, अब 2 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये भी हमारा क्या है, विषम संख्या नहीं है, तो इसे भी नहीं बनेगा। 2 के साथ 9 को लेंगे तो ये तो हमारा विषम संख्या आ रहा है, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, जो कि क्या है, विषम संख्या है, तो ये हमारा हो सकता है। अगला हमारा देखें तो 3 के साथ 4 का, तो 3 के साथ 4 आप लेंगे तो आपका ये तो बनेगा, क्योंकि 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, जो कि हमारा विषम संख्या है 1, तो 3 के साथ 4 हो सकता है। आगे और हम लें तो 3 के साथ 6 ले लेते हैं, 3 के साथ 6, आप कहेंगे 3 में से 6 जाएगा या 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, जो कि हमारा विषम संख्या है, तो ये भी हमारा हो सकता है। ऐसे आपको चेक करना होगा, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, इसके लिए कोई ट्रिक वर्क नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 9 में करेंगे तो आप 6 बचेगा, 3 में 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि हमारा विषम संख्या नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। अब 5 को लेंगे, 5 और 4 को लें, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, जो कि विषम संख्या है, तो ये तो हो गया। फिर 5 में से 6 जाएगा तो भी 1 बचेगा, है कि नहीं है, 5 में से 6 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, और ये भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। और अगला है 5 में से 9, 5 और 9, 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि विषम संख्या नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम सब देखे हैं कि हमारा जो रिलेशन बनना है वो किसका रिलेशन बनना है, 1 से 4 के साथ, 1 का 6, 2 का 9, 3 का 4, 3 का 6, 5 का 4, 5 का 6, ये हमारा इतना बनना है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 हमारे यहाँ पे रिलेशन बनना है। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ कहा था कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो इस प्रकार से हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए आपको कंडीशन वहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया था। आगे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, 5, 6, ये सभी क्वेश्चन हम आपको आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे एजुकेशन टूर चैनल, मतलब आप सभी के का चैनल एजुकेशन टूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे तो उन्हें भी इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो उनका कुछ होगा नहीं। अगर उनका नुकसान होता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इतने मतलब अच्छे से समझाना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतने अच्छे से बताता होगा या समझाता होगा आपको। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।